वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। एक गुड न्यूज है, यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसका बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोगों को इंतजार था। ये नोटिफिकेशन आया है 14 जनवरी 2018 को। इसे आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। इस बार की भर्ती में आपको कई बड़े चेंज देखने को मिलेंगे, कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो बहुत लोगों को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। तो देखते हैं इस बार की भर्ती में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। टोटल 41,520 पदों की भर्ती होनी है, जिसमें से 23,520 पद हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के और 18,000 पद हैं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी के। जो 23,520 आरक्षी नागरिक पुलिस के पद हैं उसमें से 11,761 हैं जनरल के, 6,350 हैं ओबीसी के, 4,939 हैं एससी के और 470 हैं एसटी के। जो 18,000 पद हैं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी के, उसमें से 9,000 पद हैं जनरल के, 4,860 हैं ओबीसी के, 3,780 हैं एससी के और 360 हैं एसटी के। तो ये तो रही पदों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 22 जनवरी 2018 से, जो चलेंगे 22 फरवरी 2018 तक। यानी कि 22 जनवरी से 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म की फीस जमा करने की लास्ट डेट है 23 फरवरी 2018। फॉर्म की फीस रखी गई है 400 रुपये। कितनी रखी गई है इस फॉर्म की फीस? इस फॉर्म की फीस रखी गई है 420 रुपये। जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इस बार की भर्ती में वो ये है, ये बहुत सारे लोगों को शौक देने वाला है। आपकी एज 1 जुलाई 2018 को 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 से 22 वर्ष। जो लोग इस क्राइटेरिया में आएंगे वही फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया से बाहर है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जुलाई 2018 तक आपकी एज 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो लोग 22 वर्ष से ज्यादा के होंगे वो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शौक है जो बहुत लोगों को लगने जा रहा है। लेडीज के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 25 वर्ष। यानी कि 1 जुलाई 2018 को लड़कियों की एज होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष। जो इस क्राइटेरिया से बाहर होंगी वो एज के क्राइटेरिया में नहीं आएंगी और वो फॉर्म नहीं भर पाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग पुरानी है, 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। आप 12th पास होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे बड़ा दूसरा जो चेंज है वो है इसके टेस्ट में। इसके टेस्ट में होने जा रही है निगेटिव मार्किंग। यानी कि आपको कॉन्स्टेबल के एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। टेस्ट होगा 300 नंबर का, जिसमें होगी नेगेटिव मार्किंग। तो आप टेस्ट को बहुत सावधानी से देना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो नेगेटिव में चला जाएगा आपका नंबर। और टेस्ट का सिलेबस भी लगभग पुराना वाला ही है। आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर करूंगा। पूरे सिलेबस की वीडियोज बनाकर मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। सामान्य ज्ञान की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सामान्य हिंदी का मैं पूरा सिलेबस कवर कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप सामान्य हिंदी की वीडियो जरूर देखें। आगे आने वाले टाइम में मैं पूरे सिलेबस की वीडियो बनाकर आपको इस चैनल पर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में पूरे सिलेबस की वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। साथ ही मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको दूंगा। तो ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मौका अच्छा है, कमर कस लो, लग जाओ तैयारी में, ले लो जॉब और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।